तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे कुमड़ा फूल का पकौड़ा छोटी चूना मछली के साथ, वो भी मेरे विलेज स्टाइल में। ये एक विलेज स्टाइल रेसिपी है, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें। वैसे तो कुमड़ा फूल की बहुत सारी रेसिपीज हैं, मगर इस रेसिपी में मैंने मछली का इस्तेमाल किया है, तो आप इस रेसिपी को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ फूल लिए हैं, तो इसके किनारे का जो डंठल है उसे हमें तोड़ लेना है। तो मैं इसे तोड़ लूँगी और इसके नीचे का भी जो डंठल होता है उसे भी तोड़ लेना है। तो इसी तरह से पारी पारी से सभी फूल को तोड़ लेना है। तो फूल को एक बार आप झाड़ लें, क्योंकि कीड़ा हो सकता है अंदर, तो वो निकल जाएगा। फिर उसे आप डंठल को तोड़ लें। तो यही प्रोसेस सभी फूलों में करना है। तो एक एक करके मैं सभी फूल को रेडी कर लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 15 फूल तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ चूना मछली लेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम चूना मछली लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालूँगी। फिर 1 चम्मच नमक डालना है। नमक और हल्दी को अच्छी तरह से मछली में मिला देना है। तो मैंने इसे मिला दिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करना है। तो यहाँ मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। इस बात का आप ध्यान रखें कि तेल अच्छी तरह से गरम हो, क्योंकि ये छोटी मछली है, ये चिपक जाएगी। तेल गर्म होने पर आप उसमें छोटी मछली को छोड़ दें और छोटी मछली को चारों तरफ फैला देना है। मछली छोड़ते समय गैस का फ्लेम लो में कर दे, इससे तेल छिटकेगा नहीं। कढ़ाई को आप कपड़े से पकड़ के चारों तरफ तेल को फैला लें, ताकि छोटी मछली अच्छी तरह से भुन जाए। इसे आप धीरे धीरे चलाएं, नहीं तो मछली टूट जाती है। तो देखिए, मछली को थोड़ा क्रिस्पी करके फ्राई करना है। तो यहाँ मछली को भुनने में लगभग आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो देखिए, मछली क्रिस्पी हो चुकी है, तो अब उसे एक प्लेट में उठा लेना है। तो मछली भुन के तैयार हो चुकी है। तो अब पकोड़ा बनाने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें मैं 4 से 5 लहसुन दूंगी, 3 मिर्ची दूंगी और 1 तेजपत्ता, तो उसे मैं पीस लूँगी। आप इसे ग्राइंडर में भी पीस सकती हैं। तो मसाला हमने पीस लिया है, तो इस मसाला को हमें बेसन के बैटर में मिलाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में एक पतीले में हमें 100 ग्राम बेसन लेना है। फिर उसमें 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है और 1 चम्मच नमक डालना है। उसके बाद जो पेस्ट हमने मसाला का बना के रखा है, तो मसाला का पेस्ट को हमें उसमें मिला देना है। फिर हमें पानी मिला देना है। पानी मिला के बैटर को हमें तैयार कर लेना है। तो बेसन के मिक्सचर को आप अच्छी तरह से मिला लें। अगर जरूरत हो तो और थोड़ा पानी डाल लेना है, इसे ज्यादा मोटा ना करें, इसे थोड़ा पतला ही घोलें। तो देखिए, बैटर तैयार हो चुका है। तो अब यहां हम कुमड़ा का फूल लेंगे और यहाँ मछली को लेंगे। तो मछली को हम कुमड़ा के फूल के अंदर डाल देंगे। देखिए, इस तरह से फूल के अंदर मछली को रख देना है। तो मछली को रखने के बाद एक एक करके पंखुड़ियों को मोड़ देना है, ताकि मछली बाहर ना आ पाए। तो इसी तरह से सभी फूल को तैयार कर लेना है। तो मछलियों को भर देना है और पंखुड़ियों को मोड़ देना है। इसे आप अच्छी तरह से मोड़े, जैसे मछली बाहर ना आ पाए। तो देखिए, और एक फूल तैयार हो गया है। तो इसी तरह से पारी पारी से सभी फूलों को तैयार कर लेना है। तो सभी फूल यहाँ तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें इसे तलना है। तो अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और बेसन के बैटर में फूल को लपेट लेंगे। इसे आप चारों तरह से कवर कर लें और तेल में डाल दें। पकौड़ा को 1 मिनट तलने के बाद आप उसे पलट दें और उसे दोनों तरफ से फ्राई कर लें, ताकि वो अंदर से कच्चा ना रहे, और उसे बीच से आप दबा भी दें। और जब पकौड़ा ब्राउन हो जाए, तब आप उसे एक प्लेट में उठा लें। तो इसी तरह से सभी पकौड़ों को आप तल लें। तो मैं यहाँ एक साथ 2-3 तल लूँगी। इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि पकौड़े एक दूसरे से चिपके ना। तलने के बाद इसे एक प्लेट में उठा लें। तो देखिए, गर्मा गर्म पकौड़ा रेडी है। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और ये बिल्कुल क्रिस्पी है और ये हेल्दी भी है। तो आप इसे बच्चों को ज़रूर दें।
इसमें कुंवड़े के फूल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और मछली भी पूरी तरह से बॉईल हो चुकी है। देखिए ये अंदर से पूरी तरह से पक चुका है। तो इस रेसिपी का एक यूनिक टेस्ट है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बच्चों को भी स्नैक्स के रूप में दे सकते हैं। तो आप उसे इस तरह के से बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मछली है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।